हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक के ऊपर जहां पे कि निवेश का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है। आज स्मॉल कैप और मिड कैप में हम लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सभी बातों के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आज हम लोगों को स्मॉल कैप में एक बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है वो आपको 4% के गिरावट के साथ इंट्राडे में 532 पॉइंट के फॉल के साथ जो है आपको 12,450 के लेवल पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी मिड कैप में, तो निफ्टी मिड कैप में हम लोगों को 3% का एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। मेजर सेलिंग जो है आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ही आज के सेशन में देखने को मिला। तो चलिए अब बात करते हैं और डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने कल के सेशन में भी जब IRFC और RBNL के ऊपर मैंने वीडियो किया था, मैं आपको एक बात क्लियरली बोला था, जो स्टॉक रैली कर गया है कल के सेशन में, स्टॉक में जो है आपको काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिला था। IRFC 10% के अपर सर्किट पर क्लोज हुआ था, RBNL में 17% के तेजी के साथ क्लोज हुआ, और आज अगर जाके देखेंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट दोनों ही स्टॉक में देखने को मिला। तो एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, नो मैटर कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो वहां पे सेलिंग भी आएगा, और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। यही वजह है जो कल भी मैंने आपको बताया था, जो अगर आप IRFC या RBNL में पोजीशन बना रहे हैं, एग्रेसिव बेट मत कीजिए। यहाँ पर रिट्रेसमेंट में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आप SIP मोड में निवेश कर सकते हैं। अब जितने भी लोगों ने सपोज यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई भी किया होगा, अगर लोगों ने कल के तेजी के बाद भी बाई किया होगा ऊपर के लेवल पे और SIP मोड में बाई किया होगा या कम क्वांटिटी में बाई किया होगा, तो उनके पास ऑप्शन है, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छा है, तो यहाँ पे जो है आपके पास गिरावट में ऐड करने का ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप सारा क्वांटिटी यहीं पे ऐड कर लेंगे, एक अच्छा रैली हो चुका है, तो फिर जो ये रिट्रेसमेंट आएगा, इस रिट्रेसमेंट में आप पैनिक कर जाएंगे, या तो वहां पे एग्जिट कर जाएंगे या फिर जो है आप इधर उधर ओपिनियन लेने के लिए दौड़ेंगे, और वहां पे अगर कुछ आपको गलत ओपिनियन मिल गया तो आप उस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे, वापस से किसी दूसरे स्टॉक में एंट्री लेंगे, वहां भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों से आपको बचना है। इसी वजह से जितने भी पॉइंट्स को मैं डिस्कशन करता हूं, उस पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको कुछ फायदा हो, आप चीजों को समझे जो मार्केट कैसा काम करता है। मार्केट कभी भी आपको यूनिडायरेक्शन नहीं जाता है। अगर तेजी हो रहा है, तीन ट्रेडिंग सेशन तेजी हुआ, एक सेशन में आज आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे टॉप पे लिया होगा, डेफिनेटली वो लोग पैनिक करेंगे, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं जो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे ही आपने लिया यहाँ से फॉल आ गया, सीधा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री लिया फॉल आ गया, तो उस टाइम में साइकोलॉजी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। बेटर है चीजों को समझिए, सीखिए और उसके बाद निवेश कीजिए। इधर उधर भागने से आपको नहीं होगा, चीजों को समझना पड़ेगा, तभी यहाँ पे पैसा बनेगा। आज के सेशन में भी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छा गिरावट हुआ, फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे की बाइंग देखने को मिला, या फिर कुछ क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको गिरावट में निवेश का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। IRFC, RBNL, इन सभी स्टॉक्स में अगर गिरावट होती है तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं। CDSL के शेयर में कल के सेशन में एक अच्छा तेजी देखने को मिला था, आज वहां भी गिरावट देखने को मिला, तो ये सभी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वहां पे अच्छे शेयर में निवेश करने का। तो चलिए बात करते हैं अब कौन से तीन स्टॉक को जो है हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, इस चीज को भी आपको समझना है। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है आपको सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। इस स्टॉक में अगर देखेंगे
आज के सेशन में 5% का अपर सर्किट लगा हुआ था। प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 9% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने 32.4% का एक शानदार रिटर्न दिया है। अब इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक सबसे बेहतरीन न्यूज है, बहुत से लोग बोनस का इंतजार करते हैं, स्टॉक स्प्लिट होने का इंतजार करते हैं और यहाँ पे जो है सर्विसर फूड में जो है आपको बोनस और स्प्लिट दोनों ही साथ साथ मिलने वाला है। अभी जो है स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, ये आपको 10 पार्ट में स्प्लिट होगा और उसके बाद हर एक स्प्लिट पार्ट पे जो है आपको 2 बोनस शेयर भी दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो है प्राइस जो है इस स्टॉक का आपको 10 रुपीज के नीचे मिलने वाला है और जो एक्स डेट है वो है आपको दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो है ये आपको इस कंपनी का एक्स डेट है जहां पे कि 10 टुकड़ों में बटेगी, जहां पे स्प्लिट होगा, साथ ही साथ जो है आपको बोनस शेयर भी यहां पे जो है आपको मिलने वाला है। 15 सितंबर जो है ये आपको इस स्टॉक का एक्स डेट है जहां पे कि आपको बोनस और स्प्लिट साथ साथ मिलेगा। तो इन केस अगर आपके पास 10 शेयर है तो पहले वो स्प्लिट होगा अगेन 10 शेयर में, तो आपके पास टोटल 100 शेयर हो जाएंगे और फिर वहां पे जो है आपको ईच 1 शेयर पे 2 शेयर दिया जाएगा, तो आपके पास जो है टोटल 300 शेयर हो जाएंगे अगर आपके पास 10 शेयर भी इस स्टॉक का है तो। अकॉर्डिंगली प्राइस भी वहां पे एडजस्ट होगा क्योंकि कभी भी बोनस और स्प्लिट अगर मिलता है आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहता है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका 300 टाइम्स नहीं होने वाला है, वो आपका सेम रहेगा बट नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे जिससे कि आपको बेनिफिट होगा जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगा या आपको आगे जाने के बाद अगर डिविडेंड अनाउंस करता है तो फिर वहां पे जो है आपको 300 शेयर पे डिविडेंड मिलेगा जो कि एक काफी अच्छा आपको दिख सकता है। चलिए बात कर लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर इस स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो। फिर सबसे पहले अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो प्रमोटर के पास जो है 54.91% का होल्डिंग है एज ऑफ अगस्त 2023। यहां पे अगर बात करेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग्स जो है वो आपको रिड्यूस हो रहा है, प्रमोटर यहां पे अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। FII ने यहाँ पे जरूर अपने स्टेक को बढ़ाया है, 3.75% जो है FII के पास है, DII यहाँ पे नहीं है। रेस जो है 41.34% पब्लिक के पास है, लेकिन इसमें से भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है आपको 17-18% जो 18% जो है वो आपको HNI के पास है और रेस्ट जो है वो आपको रिटेल निवेशक के पास है। अगर कंपनी के हम लोग ईयरली सेल्स को देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स जो है कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 2015 से अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो है कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम रेंज में है, ये एक कंसर्निंग है। जो आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो फिर उस रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो सेल्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मार्जिन पे जो है आपको इफेक्ट है, मार्जिन यहाँ पे ज्यादा कंपनी को नहीं मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ये चीज आपको जरूर नोट डाउन करना चाहिए और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो है स्टॉक प्राइस पे आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर जो है डिक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट में जिस रेशियो में सेल्स बढ़ रहा है उस रेशियो में जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है 7% के CAGR से इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक प्राइस जो है वो 31% के CAGR से इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर लास्ट 5 ईयर का देखेंगे तो 5% का है, एक एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉफिट ग्रोथ ये निगेटिव में है और यही आपको सबसे बड़ा कंसर्निंग है इस कंपनी के लिए। रेस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर तो कंपनी के पास लोन भी है, ये भी जो है यहाँ पे आपको क्लियरली पता होना चाहिए। लेकिन एक बात है, जो कंपनी के ऊपर फंडामेंटल्स जो है इशू रहते हैं तभी जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे रहता है, नहीं तो अगर फंडामेंटल्स इशू नहीं होते हैं तो वहां पे जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस में आपको
एक शानदार तेजी देखने को मिलता है। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे जो है मैनेजमेंट इन सभी बातों को आपको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट वन ईयर में स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और वंस अगेन स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में आप यहां पे बाई कर सकते हैं, बिल्कुल एक टेक्निकल ब्रेकआउट है स्टॉक में 142 के लेवल के ऊपर इस स्टॉक में जो है एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट है, तो आप इस ब्रेकआउट को देखते हुए इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। आपका ट्रेलिंग एसएल जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, क्लियरली इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है तो फिर आप यहां से एग्जिट करने के लिए बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। यहाँ पे जो है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर जो है यहाँ पे आप बिल्कुल इस स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि आपका एनालिसिस इनवैलिड हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है मान अल्मोनियम। इस स्टॉक में भी आज के सेशन में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। इनिशियली इस स्टॉक में भी एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखा, बट वापस से जो है स्टॉक रिकवर किया। फाइनली स्टॉक में जो है हम लोगों को एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और हैमर कैंडल का फॉर्मेशन जो है आपको एक सपोर्ट रेंज पे हुआ है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे इससे पहले रेसिस्टेंस लिया था। रेसिस्टेंस लेने के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला और आज के सेशन में इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉक ने इस नेकलाइन पे एक अच्छा रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया है और फाइनली जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को आने वाले समय में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के ऊपर अगर बात करेंगे, स्टॉक में जो अच्छी बातें हैं यहाँ पे जो है क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है, साथ ही साथ जो है प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है। 50.8% CAGR के से आपको लास्ट 5 ईयर में इंक्रीज हुआ है। लास्ट 3 ईयर का ROE देखेंगे तो 36.4% है और यहाँ पे जो है सेल्स ग्रोथ भी आपको लास्ट 10 ईयर का बहुत जबरदस्त है। अगर इस स्टॉक के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, प्रमोटर के पास 65.34% का होल्डिंग है, FII के पास 0.7% का होल्डिंग है और DII के पास जो है यहाँ पे बिल्कुल नील है, DII यहाँ पे नहीं है और पब्लिक के पास जो है 33.96% का होल्डिंग है। अगर इस कंपनी के हम लोग ईयरली रिजल्ट के ऊपर देखेंगे तो ईयरली रिजल्ट काफी शानदार है। ओवर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर्स स्टॉक में जो है ऑलमोस्ट 7 times से ज्यादा का ग्रोथ हम लोगों को सेल्स में दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 24 times का ग्रोथ दिख रहा है और नेट प्रॉफिट भी अब जो है कंपनी कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट कर रहा है प्रीवियस 5 to 6 years से। और भी जो आपको अच्छी बात है, जो कंपनी कंटिन्यूसली अब डिविडेंट भी पे कर रहा है, साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर में आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट यहां पे देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, लास्ट 10 इयर्स का 24% के CAGR से सेल्स ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 61% के CAGR से हो रहा है, स्टॉक प्राइस 64% के CAGR से बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है। तो बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ भी दिख रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी दिख रहा है। और इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी के पास जो है बोरोइंग्स ज्यादा नहीं है, 56 करोड़ का बोरोइंग है। प्रीवियस 3 ईयर से कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे कंपनी ने इस चीज के ऊपर फोकस किया है जो कंपनी का आपको बोरोइंग्स रिड्यूस हो। रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 23 करोड़ से जो है 117 करोड़ का हो चुका है। फिक्स एसेट कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे आपको बढ़ रहा है, तो फिक्स एसेट और रिजर्व्स के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा बोरोइंग्स नहीं है, कंपनी इस बोरोइंग्स को इजीली मैनेज कर सकती है। तो एक अच्छा ग्रोथ इस स्टॉक में भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ टेक्निकली इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में 100 के लेवल के ऊपर हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है तो यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग 100 के लेवल के ऊपर बाई कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। नीचे की साइड में जो है हम लोगों का SL यहाँ पे होना चाहिए 90 रुपीज के नीचे, आपका 10 पॉइंट का रिस्क है।
लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड जो है ये होगा आपको ये पूरा डेप्थ, और ये पूरा डेप्थ जो है ये है आपको ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का, ऊपर की साइड जो है 135-140 आपका शॉर्ट टर्म में एक अच्छा टारगेट होगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है इको रिसाइक्लिंग। इस कंपनी के ऊपर जो है मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी अपडेट किया था, जब आपको यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 196 के लेवल के ऊपर कंपनी ने क्लोज दिया था प्रीवियस टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा जो है यहाँ पे आपको सर्किट लगा हुआ था, और आज के सेशन में इस स्टॉक में गिरावट जरूर देखा बट नीचे के लेवल से एक अच्छा बाइंग दिखा। कंपनी जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट में है। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है मोदी जी ने भी अपने मन की बात में इस कंपनी को कवर किया हुआ था, काफी ज्यादा एप्रिसिएशन उनके साइड से भी यहाँ मिला था। साथ ही साथ टेक्निकली अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे आपको रेंज में कंसोलिडेट किया, फाइनली ब्रेकआउट के बाद 196 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, क्लोज दिया था 192 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, 196 पे क्लोज दिया था, और उस लेवल से इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल चुका है। अभी भी स्टॉक को हम लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है पोल लेंथ का। यहाँ पे जो पोल लेंथ है वो है आपको ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का, ऊपर की साइड 90 पॉइंट का अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो 270-275 ये सभी लेवल्स जो है हमको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अभी भी बाई कर सकते हैं, नीचे की साइड में अपने एसएल को 175 के नीचे रख सकते हैं, ऊपर की साइड में आपको 280-290 का एक बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।